पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। आप सबकी दोषी हूं मैं, आप लोग को धोखा देकर जा रही हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं ध्रुव जी से प्यार नहीं करती, इस रिश्ते में खुश नहीं रह सकूंगी। चोरी नहीं उधार समझिएगा, वादा करती हूँ जितनी जल्दी हो सके आपका सब कुछ। चंद्रा, चंद्रा, क्या छुपा रही है? मैं कहाँ को छुपा रही हूँ? मैंने देखा अभी। तारा, चिट्ठी है। चिट्ठी? चंद्रा, पिछली बार तूने चिट्ठी लिखी थी तो रिश्ता तोड़ने की बात की थी, अब क्या लिखा है इस चिट्ठी में? इस बार मैंने रिश्ता जोड़ने के लिए लिखा है। ओह, तो इस बार चंद्रा ने ये चिट्ठी अपनी सुहागरात पे जेंटलमैन बाबू के लिए लिखी है। सुहागरात से पहले किसी तरह यहाँ से निकलने का रास्ता देख चंद्रा, वरना अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ हो गया? क्या अनर्थ हो गया माँ जी? हमारी तिजोरी की चाबियाँ कहीं खो गई हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कहने वाली बात है माँ जी, इतने सालों में तो आपके साथ कभी नहीं हुआ और आज चाबी का गुच्छा खो गया, वो भी तिजोरी का। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने चोरी कर लिया हो? कैसी बातें कर रही हो उर्वशी, यहाँ सब हमारे अपने रहते हैं, इतने सालों से हम सब साथ में रहते हैं। माँ जी, दो लोग तो है ना जो अभी हमारी हवेली में नए नए आए हैं, एक चंद्रा और एक तारा। और वशी, कुछ बोलने से पहले जरा सोच लिया कर, किसके बारे में बोल रही हैं आप? उनमें से एक हमारी बहू है और दूसरी कुछ भी नहीं। हो सकता है शायद उसी ने, दिखने में तो भली ही लगती है पर शायद तुम सही कह रही हो, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ है। सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी ना, उस पर नजर रखनी होगी। पर तुम एक बात का ध्यान रखो, इस हवेली में किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि शुभ माहौल में इतनी रात गए सबको चिंतित करे। चंद्रा, तू इतनी चिंता में क्यों है? तारा, तुझे पता है आज मेरे जीवन की सबसे बड़ी रात है, तो थोड़ी चिंता थोड़ी परेशानी तो होगी। चाबी का गुच्छा तो मैंने राजरानी जी के पास देखा था, ये यहाँ कैसे आया? चंद्रा, ये चाबी का गुच्छा तेरे पास? तेरे पास कहाँ से आया? अब चलो, हाँ हवेली में ढूंढना है। चलिए चल। ऐसे कैसे चाबियां खो सकती है? अगर वो चाबियां किसी गलत इंसान के हाथ लग गई तो आप समझ में क्या हो सकता है? मेरी माँ के निशाने, उनके गहने खो सकते हैं। अरे रे 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 रे, इतना मत सोचिए देवर जी, आप जो सोच रहे समझ रहे वैसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि माँ जी ने जानबूझ के वो चाबी का गुच्छा खो दिया ताकि आपकी नई दुल्हन को आपकी माँ के गहनों से दूर रखा जा सके? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है माँ जी। बुरा मत मानिएगा, मैं तो बस देवर जी के मन को समझने की कोशिश कर रही थी कि कहीं इनके मन में कुछ उल्टे सीधे विचार ना आ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है देवर जी, गलती से हो गया। नहीं बहुजाई जी,
मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं सेठानी जी के पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। मुझे बस चिंता हो रही है कि मेरी माँ की निशानी, उनके गहने कहीं खो ना जाए। अगर वो चाबी किसी गलत इंसान के हाथ लग गई तो बहुत बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, कुछ गलत हो सकता है। चंद्रा, ये चाबी का गुच्छा तो मैंने सेठानी जी के पास देखा था, तेरे पास कहां से आया बोलना? वो तारा, मैं वो मुझे ये बरामदे में बड़ी मिली ना, तो मैंने सोचा कि उठा के लौटा दूंगी, लेकिन उससे पहले तू आ गई। चंद्रा, ये काम भी तू करेगी? मैं हूं ना, मैं लौटाती हूँ। नहीं तारा, नहीं, मतलब नहीं लौटाऊं? नहीं, मेरा मतलब ये है कि तू छोड़ ना ये सब, तू इधर आ, इधर आ, मेरे पास बैठना। तुझे पता है कि आज की रात मेरे लिए कितनी मायने रखती है, घबराहट हो रही है मुझे। चंद्रा, मैं समझती हूँ, पर मैं हूँ तेरे साथ। देख, ये भी सोच, इस चाबी के गुच्छे को लेकर बाकी सब कितने तनाव में होंगे। मैं अभी उन्हें पहले दे आती हूँ, फिर तो मैं तेरे ही साथ हूँ। मैं झट से गई और झट से आई। तारा, भगवान का शुक्र है कि मैंने तिजोरी की चाबी के गुच्छे में से मुख्य चाबी निकाल ली, अन्यथा मेरी योजना विफल हो जाती। अब मुझे अगला कदम उठाना है, पर कैसे करूंगी? डर मत चंद्रा, तू जैसे यहां तक पहुंची वैसे यहां से आगे पहुंचेगी, अपने प्यार के लिए, अपने भविष्य के लिए तुझे ही करना होगा। लेकिन इस कपड़े में करेगी तो पकड़ी जाएगी, भेस बदलना होगा तुझे। थोड़ी देर में ताप से पूरा घर धुआं धुआं हो जाएगा, सबका ध्यान धुएं पे चला जाएगा। फिर मैं चुपके से सेठानी जी के कमरे में चली जाऊंगी। हाँ, अरे रे तारा जी, आप अभी तो तैयार नहीं हुई। अरे जल्दी तैयार हुई, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, और जल्दी आइए। समय पर ये धुआं फैलना चाहिए, नहीं तो मेरी सारी योजना ठप हो जाएगी। ये धुआं कहां से आ रहा है? ए बिरजो, जरा जाकर देख करा ये धुआं कहां से आ रहा है, कहीं आग वाग तो नहीं लग गई? जी बाबूजी। तुम्हारी चंद्रा की शादी की रस्मों से और चंद्रा से भी।
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।